अमेरिका के कैलिफोर्निया में पंजाब के जिस परिवार का अपहरण हुआ था उन चारों सदस्यों के शव बरामद हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें एक 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे बेहद ही खतरनाक और डरावना ठहराया है। हालांकि चारों के शव उसी इलाके से मिले हैं जहां से उन्हें किडनैप किया गया। दरअसल कैलिफोर्निया में रहने वाले पंजाब के इस भारतीय परिवार का अपहरण 3 अक्टूबर को किया गया था। दक्षिण हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से जबरदस्ती अगवा किए जाने के बाद वे लापता हो गए थे, जहां अब उनका शव मिला है। वहीं परिवार के परिजन इस खबर से सकते में हैं। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें बंदूक की नोक पर किडनैप किया गया था। फैमिली मेंबर मंगू हरसी पिंड के रंधी डॉक्टर रंधीर जी के दो बेटे, एक बड़ा अमनदीप सिंह अमन ते छोटा मुंडा जेवी जसदीप सिंह जेवी ते उना दी वाइफ ते 8 महीने दी बेटी नू अमेरिका विच लगभग कल दे टाइम उधर सवेरे 10:15-11 बजे दा टाइम सी उन्हां नू उन्हां दे दफ्तर विचों ही किडनैप कर लिया गया। अंकल हुणी रंधीर सिंह जी कुछ दिन पहला ही अमेरिका तो आए आ ते कल उह श्री हेमकुंड साहब दे दर्शनां लई गए सीगे। राती अपने बेटे नाल देर रात गल हुई है जदों उह दफ्तर विच सीगा ते उस दौरान ही फोन दे उपर ही वार्तालाप दे टाइम कोई बंदा दफ्तर विच एंटर होया ते बाद विच वड्डे मुंडे अमन ने अपने छोटे भरा नूं अगाह भी कीता ते उस तों बाद कोई गलबात नहीं हुई। उत्थे दे पुलिस प्रशासन ने उन्हां दी गड्डी ट्रेस कीती है जिसनों कि उन्होंने अग लगा के दफ्तर तों 25-30 किलोमीटर दूरी ते छड्ड दित्ता हैगा। ये परिवार पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा के पास एक गाँव हरसी का रहने वाला था। इन लोगों का अमेरिका में खुद का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। जिन लोगों को अपहरण करके मार दिया गया उनमें 36 साल के जसदीप सिंह, उनकी पत्नी जसलीन कौर और 8 महीने की बेटी आरूही शामिल थी। इसके अलावा अमनदीप सिंह की भी हत्या की गई है। देर रात परिवार की कार जली हुई हालत में मिली थी, जिसके बाद पता चला कि किडनैप किए गए लोगों में से किसी का ATM भी इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद संदिग्ध को हिरासत में लिया गया लेकिन उसने खुदकुशी करके खुद की जान लेने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया है।